यार सासू में भेज भी देगी ना, बहुत दिनों में डर सा लग रहा। अरे मना लेंगे मना अरे लेंगे, यार ऐसी है मेरी सासू में। तू जाकर राम राम कर दी। सासू माँ राम राम। अरे राम राम जी, राम राम। आओ बैठो बैठो, आओ बैठो। हाँ बैठ गया सासू माँ। और बताओ ठीक हो? बढ़िया, तुम सुनाओ? हम भी बढ़िया। अरे बटे जी, समधी साहब ठीक है हमारे? हैं, बड़े दिन में दर्शन दिए तुमने थे। घर बार सब ठीक है? कुशल मंगल है सब? अरे बहुत दिन में याद आई तुम्हें, हमारी लल्ली की याद ना आती? तुम्हें याद आई है, जभी तो लेना आया हूँ। ले तुम सब छोड़ो, केले खाओ। बटे वो बात है ऐसी, अभी पड़ रही है ठंड, और ठंड में लौंडिया को भेजू ना हो बिल्कुल भी, कभी सोच रहे हो? हाँ बाद में ले जाऊ ठंड के। हाँ तुम्हें ठंड के बाद के मैं उसका अचार डालूंगा। तुम हर बात तुम्हारे एड्रा मेरा है, तुम्हारे साथ पिछले 3 महीने से ना आया, अब लेना आया हूँ ठंडों के बाद भेजूंगा। ठंडों के बाद क्या करूंगा? क्यों कालू बताता क्यों ना? अरे मसी है। अरे मैंने जाने के इसके साथ, इसका तो चक्कर सही ना से चलना, हराम का चूहा कुछ सामान भी लेने जा, चीनी भी आधे आधे घंटे में लेके आवा से। सकीना? अरे बटो सकीना कौन है ये? क्या कह रही है रल्ली? अरे सासू मेरी शादी से पहले का प्यार है, तुमने भी खूब करे होंगे, तुमने ना करे अपने शादी से पहले? क्यों भाई कालू बताता क्यों ना है? हां मौसी शादी से पहले सब करे, अब ना कुछ ना है मेरा। हां मम्मी ना, मैं ना जाऊं, तुम्हें पता ना, इनका भी चक्कर है वहीं पड़े रहा सुबह से शाम तक। इसका मतलब बटे तुम्हारा भी चक्कर है किसी से? इसका मतलब तुम मेरी लौंडिया को धोखा दे रहे हो? अरे सासू मैं एक बात बताओ, जब बहू 3-3 महीने पीहर पड़ी रहा है तो मन तो भटके गई भटक गा, मगर अब ना आया था कुछ भी चक्कर, अब भेज दो तुम। ना 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 ना, मैं ना भेजू बिल्कुल भी लल्ली को, वो तेरा जो भैया ना जो बिचौलिया उसे भेजिए, जब आकरा ना लंबे लंबे लस्सी के गिलास में आकरा उसे भेज भाड़ों को, उसे बताऊंगी। ठीक है सासू माँ, हम चल रहे हैं, तो बड़े वाले भैया बात करेंगे तुम। हाँ, ठीक है ना, चल ठीक है, निकल चल। अरे मौसी नमस्कार। नमस्ते मौसी, केले खा? केले? अरे लल्ला तुम भी केले लेके आए हो? हाँ मौसी, जब कहीं आम है तो केले तो ला मैं, पर मौसी लल्ली कैसे ना भेजी? वो कह रहा छोटा वाला मुझसे तो कि तुमसे बात करने, कह रही क्या बात है मौसी बताओ? मैं ना भेजूंगी लौंडिया को, तुम्हारे छोटे वाले भैया का तो चक्कर चल रहा कहिया किसे? मौसी चक्कर चल रहा? हमें तो पता ही नहीं लग रही किससे चल रहा। मौसी हमें ही बताओ, हमें भी तो पता पड़ा किससे चल रहा चक्कर। हाँ अरे है ना वो सकीना वकीना बता रही लल्ली ने, सकीना से चल रहा कही है तक ही सकीना कहिया कोई सकीना? अरे तुम्हारा भैया तो तुम्हारे ही माल को फंसाए पड़ा है, जिस थाली में खा रहा उसमें ही छेद कर रहा है। अरे समझी ना मैं लल्ला, क्या कह रहा है तू? मौसी सेटिंग मेरी है सकीना, सही फंसे पड़ा, लल्ली को तो भेजू ना हूँ क्योंकि तुम सारे ही खराब लग रहे हो मुझे। एक काम करो, अपने बाप को भेज लो, अब जो बात होगी उनसे ही होगी। चलो मौसी तुम लल्ली को भेजियो मत भेजियो, मैं तो सबसे पहले छोटे वाले भाई साहब से बात करता हूँ। भाई पड़ा समझी, तुम भी केले लेके आए हो? तुम भी मतलब कोई और भी लाया? अरे तुम्हारे दोनों लल्ला लेके आए केले, और अरे समझ दोनों वाले पीर भी गए हैं। वो बात छोड़ दो, वो क्या करना भेजी, क्या बात होगी है? तू तो बता। समझी बात है ऐसी, केले लौंडे थे, एक लौंडे से लगे पड़े दोनों, लल्ली को ना भेजूंगे बिल्कुल भी। अब नोरी ऐसी कौन है जो दो दो को झेले पड़ी है, नाम तो बता मैं उसको। अरे समझी है कोई सकीना वकीना बता मैं। सकीना? वो तो उनकी बहन लगी। बहन लगी? अरे समझी समझी ना। अरे समझो एक बात बता, सकीना की जो माँ है वो हमारे पुरानी सेटिंग रह चुकी है, तो इस हिसाब से तो सकीना उनकी बहन लगी ना सौतेली। मैं तो पागल हो जाऊंगी, मैं कैसे घर में लौंडिया बनाती है।